हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा HTML 5 का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे टैग्स जो कि कोटेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है टैग हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के कोटेशंस जो है HTML में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि क्यू टैग है, देन ABR है, देन एड्रेस है, उसके बाद साइट है, फिर ब्लॉक कोट है, और उसके बाद वीडियो है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यू टैग देखते हैं, पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो बॉडी है इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइज, साइज के जगह मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, और कॉलोन करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 200%। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके देखता हूँ कि हमारा रिजल्ट कैसे आता है। तो मैंने यहाँ पर से जैसे ही रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं अब साइज जो है थोड़ा सा बड़ा आ रहा है आपके स्क्रीन पे, और आपके लिए विजिबल भी होगा। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला क्यू टैग। तो देखते हैं चलिए कि क्यू टैग लगाने पर किस तरीके से जो है हमारा रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको मैं क्या करता हूँ जो है क्यू टैग में इनक्लोज्ड कर देता हूँ, और यहाँ मैंने ओपन किया क्यू टैग और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ कि रिजल्ट क्या है। तो आप देखेंगे जो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है वो कोटेशन में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने वहाँ पर कोटेशन नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कोटेशन में आ चुका है। तो इस तरह से क्यू टैग से आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो वर्ड हैं या जो सेंटेंस है उसको आप कोटेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के लिए ABR है, तो चलिए इसको देखते हैं कि एब्रीविएशन कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर IoT है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ABBR लिख सकते हैं। बाद आप जो है टाइटल लिख के उसके फुल फॉर्म को लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये हमने लिख दिया। और इसे मैं यहाँ पर एब्रीविएशन को क्लोज कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर जो टैग है ABR उसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने IoT पे जो है एब्रीविएशन टैग लगा दिया है। तो चलिए मैं इसे सेव करता हूँ और अब देखता हूँ कि रिजल्ट में क्या आता है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजल्ट में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, पर यहाँ जब IoT के ऊपर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा आ रहा है। तो इसको अब मैं जूम करके अभी आपको दिखाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि IoT में जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से जो है आप जो है एब्रीविएशन टैग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एड्रेस टैग। तो चलिए देखते हैं कि एड्रेस टैग कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर ABR एड्रेस टैग मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने एड्रेस टैग दे दिया और फिर मैं इसे क्लोज भी कर दिया, और इसके बीच में मैंने एक एड्रेस लिख दिया। तो आप देख रहे हैं फ्लैट नंबर 230 BR शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद। तो इस तरीके से मैंने जो है पूरा एड्रेस लिख दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है, क्या सिंपल तरीके से ही दिखलाता है जैसे मैंने लिखा है, या फिर एड्रेस को कुछ अलग तरीके से दिखाता है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेरा एड्रेस आ रहा है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आ रहा है, और बिल्कुल जैसा एड्रेस दिखता है किसी भी वेब पेज में या वेबसाइट में बिल्कुल उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आ रहा है। मतलब अब आपको एड्रेस को दिखाने के लिए फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फॉर्मेटिंग आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एड्रेस टैग के अंदर लिख दें, आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल एड्रेस के तरीके से आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इटालिक फॉर्मेट में ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप एड्रेस टैग को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ नेक्स्ट टैग को यूज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइट। तो साइट टैग किस तरीके से काम करता है चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर साइट क्या करता है, एक्चुअली जो भी आप साइट टैग के अंदर लिखेंगे उसको वो एज ए टाइटल की तरह दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सपोज देट राकेश रोशन को मैं यहाँ पर साइट टैग में दे देता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे ये एक टाइटल की तरह दिखेगा, जैसे ये कोई टाइटल है। जैसे आप देख रहे हैं राकेश रोशन थोड़ा सा इटालिक में आ रहा है, तो इस तरह से टाइटल की तरीके से दिखेगा। तो इसका यूज क्या है कि जैसे सपोज देट आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं और उस पिक्चर का टाइटल नीचे में दिखा रहे हैं, या किसी बुक का टाइटल दिखा रहे हैं, तो उस केस में आप इस साइट टैग का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा जो है आपका इटालिक फॉर्मेट में आएगा।
उसके बाद है ब्लॉक कोड। तो चलिए देखते हैं ब्लॉक कोड किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली ब्लॉक कोड के लिए आपको पूरे कंटेंट को एक जो है ब्लॉक कोड में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ पता चल पाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से इसको अलग पैराग्राफ में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ब्लॉक कोड, QUOTE। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक कोड लिख दिया है। पर उसके बाद जो साइट एट्रीब्यूट है उसको सेट करना पड़ेगा कि ये जो कोटेशन है वो कहाँ से है। तो मैं लिख रहा हूँ www.learnfromrakesh.com, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया rakesh.com। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया www.learnfromrakesh.com। इसका मतलब ये जो कोटेशन है, ये जो इसके बीच में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है वो रेफरेंस लिया गया है ब्लॉक कोड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने ब्लॉक BLOCKQUOT, तो ब्लॉक कोड हमने यहाँ पर बंद कर दिया। तो यहाँ पर इसको मैं ये बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा कंटेंट आपका ब्लॉक कोड में आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो आपने कंटेंट लिया है वो यहाँ से आपने रेफरेंस लिया है www.learnfromrakesh.com से। तो चलिए मैं इसे सेव करता हूँ और फिर मैं जब रन करूँगा तो ये जो जितना भी चीज़ आपने ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है वो थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी मैंने ब्लॉक कोड में लिखा था वो सारा अलग से लिखा हुआ आ रहा है। और इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगा नहीं कि आपने इसको कहाँ से लिया। जैसे वहाँ पर मैंने www.learnfromrakesh.com लिखा है तो वो इस तरह का यहाँ पर कहीं दिखेगा नहीं, पर फिर भी आपके कोड में वो मेंशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो क्या काम करता है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो का फुल फॉर्म होता है वो है बाई डायरेक्शनल ओवर राइड। तो बाई डायरेक्शनल ओवर राइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जब मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा तभी जाके आपको क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो साइट है इसको हटा देता हूँ और इसके एक लाइन के ऊपर मैं वीडियो को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर इटालिक भी हटा देता हूँ और ये आई भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, BDO, बाई डायरेक्शनल ओवर राइट। और उसके बाद यहाँ पर DIR एक प्रॉपर्टी है इसका, उसको सेट करना पड़ेगा और इसके आगे लिखना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, RTL। तो ये जो है आपका वीडियो जो है टैग क्लोज हो चुका है और यहाँ पर मैं इसे एंड कर दूंगा। इसका मतलब ये जो राकेश रोशन वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है ये आपका वीडियो टैग के अंदर है। तो चलिए देखते हैं RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो टैग क्या करता है। तो ये बड़ा ही अट्रैक्टिव है, आप जब इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो है कुछ अजीब सा यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है। पर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिस सेंटेंस को हमने वीडियो के अंदर रखा था वो आपका बिल्कुल राइट टू लेफ्ट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब जो सबसे लास्ट करेक्टर था वो पहले हो रहा है, फिर उसके बाद वाला करेक्टर, एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके सेंटेंस को ये बिल्कुल उल्टा करके दिखला रहा है। तो इसे हम लोग वीडियो टैग बोलते हैं। तो वीडियो टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो जो है आपका ऑपोजिट में दिखेगा। अगर इसी को अगर हम लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट, तो फिर ये सही दिखेगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट में आपने जो सेंटेंस लिखा है जब उसको लेफ्ट टू राइट दिखाएगा तो वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब जो है हमारा बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये सभी के सभी कोटेशन टैग थे जिसको कि HTML में यूज किया जा सकता है। जैसे क्यू है, AWR है, एब्रीविएशन के लिए, एड्रेस है, साइट है, ब्लॉक कोट है और वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।